तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस होता है, यानी स्थिर पूंजी का उपभोग और पूंजीगत हानि में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में हम पढ़ने वाले होंगे कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस में बेसिक अंतर क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, तो ये डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम ही है। क्योंकि कैपिटल लॉस क्या होता है, इसको हम पूंजीगत हानि कहते हैं। तो बेसिकली हम डेप्रिसिएशन के बारे में तो बात करके आ चुके हैं कि जिसमें होता क्या है कि हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जबकि कैपिटल लॉस क्या होता है, ऐसा नुकसान जो कभी कभार होता हो उसको हम कैपिटल लॉस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि बुक इसके बारे में हमें प्रॉपर क्या। तो इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हाइल दिस आर बीइंग कंटिन्यूसली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है, जब किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है। कब कम होगी, जब हम उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहे होंगे कंटिन्यूसली लंबे समय तक। अगर उसके कारण उसकी वैल्यू घटती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जबकि कैपिटल लॉस क्या होता है, इट रेफर टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हाइल दिस आर नॉट इन यूज। यानी आपकी कोई फिक्स एसेट्स है और आपको उसको यूज़ नहीं कर रहे हो और उसकी वैल्यू घट रही है, तो इसमें जो आपकी वैल्यू घटी है उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उसको हम कैपिटल लॉस कहेंगे। मान लीजिए आपकी एक कार है और आप उस कार को अपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। आप सामान लाते हो, सामान को सेल करवाने के लिए कार का यूज़ करते हो, परचेस करने के लिए भी कार का यूज़ करते हो, तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं घट जाएगी, तो इसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। लाइक मान लीजिए आपने कोई कार खरीद रखी है और वो आपके गोडाउन में खड़ी हुई है, वो कोई काम नहीं कर रही है, फिर भी उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इस केस में वो आपका कैपिटल लॉस कहलाए। इट इज़ अ लॉस ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यानी वही डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया है कि डेप्रिसिएशन क्यों क्यों लगता है। पहला नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। जबकि कैपिटल लॉस क्यों होता है, इट इज़ अ लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अगर आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू घटती है किसी नेचुरल कैलमिटीज के हो जाने के कारण, या फिर मार्केट वैल्यू गिर जाने के कारण, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन देश में चल रहा है यानी आर्थिक मंदी चल रही है, और इसके कारण अगर आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू गिर रही है तो उसको भी हम कैपिटल लॉस ही कहते हैं। और ये कारण है कि कैपिटल लॉस क्यों क्यों होता है। मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया, आपकी गाड़ी खड़ी थी आपकी गोडाउन में, और बाढ़ आने के कारण आपकी गाड़ी वहाँ से बह गई और चली गई, और जब आप उसको लेकर आए तो आपको पता चला कि उसमें बहुत सारा पैसा आपको लगाना पड़ा, और फिर भी उसकी उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी उसकी पहले थी, तो इस केस में वो कैपिटल लॉस कहलाएगा। या फिर इकोनॉमिक रिसेशन यानी आर्थिक मंदी आने के कारण अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसको भी हम कैपिटल लॉस ही कहते हैं। जबकि अगर उसको हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उसमें कोई छोटी मोटी टूट फूट हो जाए, एक्सीडेंटल डैमेज हो जाए, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो जाए, यानी हमें पता था कि फ्यूचर में कुछ न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आने के कारण उसकी वैल्यू कम होगी ही होगी, तो वो आपका डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहलाता आता है। इट इज़ मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। बेसिकली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन ही है, और डेप्रिसिएशन को हम मैनेज कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के। जबकि कैपिटल लॉस को हम कैसे कम करते हैं, मान लीजिए आप आईफोन परचेज करने जाते हो तो आईफोन का जो डीलर होगा वो आपको एक ऑप्शन देगा कि आप इसका इंश्योरेंस करा लीजिए, इन केस फ्यूचर में अगर आपका आईफोन टूट जाता है या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है किसी भी कारण से, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसके बदले में कुछ पैसा देगी। तो इट इज़ मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट्स। लाइक आप अपनी स्कूटर का भी इंश्योरेंस कराते होंगे, कार का भी इंश्योरेंस कराते होंगे, आजकल तो इंसानों का भी इंश्योरेंस होने लगा है। ये क्यों हो रहा है, ताकि हम कैपिटल लॉस से बच सकें। आई होप आपको समझ आया होगा बेसिकली कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस में बेसिक अंतर क्या होता है, यानी स्थिर पूंजी के उपभोग में और पूंजीगत हानि में क्या अंतर होता है। दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।